हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएसआर पेंटिंग्स। तो आज हम बनारस घाट का एक सीन है, मणिकर्णिका घाट, उसका हम वाटर कलर पेंटिंग करेंगे। अच्छा, और ये A4 साइज पेपर है RTO's का। तो चलिए, क्योंकि हर बार मैं ब्रूस्टो पेपर पे मैं पेंटिंग करता था, ये पेपर थोड़ा डिफरेंट है। अभी 2-3 पेंटिंग मैं कर चुका हूँ RTO's पे, तो इस पे मेरा मतलब ब्रूस्टो के अनुसार ये पेपर मुझे उतना पसंद नहीं आया। जो बात मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल लाइट स्केच रखना है, और ये पेपर क्योंकि बहुत ही पतला है, हैंडमेड पेपर है, तो इस पर आप ज़्यादा वॉश भी नहीं दे सकते हैं, मतलब पानी का लेयर भी ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते हैं। और ये क्योंकि पेपर वाटर एब्जॉर्बमेंट कैपेसिटी इसका बहुत कम है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बहुत ही कम है, तो फर्स्ट लेयर तो इस पर अच्छा काम करता है, लेकिन सेकंड लेयर से फिर इस पेपर का रंगत मतलब बदल जाता है। तो कोशिश करना है कि कम लेयर में आप काम करके इस पे अच्छा रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिएगा। तो स्केच कंप्लीट हो चुका है, और पैलेट में सबसे पहले आप वाटर स्प्रे कर लीजिए, और कम से कम कलर रखना है यूज में। आपको कम से कम कलर लेना है, 5 से 6, उससे ज़्यादा नहीं। मैं स्काई बनाने के लिए डायरेक्ट अल्ट्रामेरियन ब्लू को पानी में मतलब मिक्स करके डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। क्या बात है, ज़्यादा कहीं कुछ नहीं करना है आपको, मतलब इस डायरेक्ट वॉश नहीं करना, इस पर ध्यान रखिएगा। ये पेपर पे वॉश कीजिएगा तो फिर पक्का है कि अधिकतर चांस है कि रिजल्ट ख़राब होगा, क्योंकि पेपर का कैपेसिटी नहीं उतना कि वाटर एब्जॉर्ब करे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेयर डार्क चढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर सूखने के बाद, क्योंकि अगर फर्स्ट लेयर पे मतलब गीला है फिर इस पेपर पे काम कीजिएगा तो भी रिजल्ट खराब होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे अनुसार आप यही समझिए कि इस पेपर पे काम करने के लिए फर्स्ट लेयर को पहले आप अच्छे से सूखने दीजिए, शाबाश, उसके बाद आप सेकंड लेयर अप्लाई कीजिएगा। मैं इस पे उतना, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, अधिकतर ब्लर पोर्शन कर रहा हूँ, और बस ये जो टेम्पल है उसे मैं डिटेलिंग में हल्का दिखाऊंगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये पेपर पे मतलब ड्राइंग बनाने में उतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, पेंटिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। पेंटिंग में अगर उतना इन्जॉयमेंट नहीं आता है तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आता है, क्योंकि पेपर क्वालिटी कहीं ना कहीं तो यहाँ पे मार खा रहा है। ये बात सही है कि बहुत लोग का कहना होता है कि नहीं, पेपर पेन ब्रश उतना नहीं देखना चाहिए, वो बात सही है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल का भी असर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। बात तो सही है। ऐसे ही नहीं, कोई प्रोडक्ट इतना महंगा होता है और फिर सस्ता होता है, वहाँ पर भी कुछ असर होता है। हाँ, आपका आर्ट ऐसे दोनों पेपर पे दिखेगा, पता चल जाएगा, आपका स्टाइल पता चल जाएगा, ये नहीं कि उस पे अलग दिखेगा, ये पता चल जाएगा कि हाँ ये पेंटिंग हम मतलब मैं ही बनाया हूँ,
और वो भी पेपर पे बनाऊंगा तो पता चलेगा कि मैं ही बनाया हूँ। लेकिन पेपर क्वालिटी और वाटर कलर में हमें ब्रश पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मैं ब्रश के बारे में नहीं उतना बताता जितना मैं पेपर के बारे में बताता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट, जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट हैं, वो पेपर कहते हैं कि पेपर पे आप ध्यान दीजिए, आप जितना अच्छा पेपर पे कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो लेकिन वाटर कलर का पेपर बहुत कॉस्टली आता है, एक पेपर मतलब क्या बोले, शाबाश, एक एक पेपर का 100 रुपया भी दाम हो सकता है, और ऐसे ब्रूस्टो एसम का 40 रुपया एक पेपर पड़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो आप जैसा पेपर लीजिएगा, डैनियल स्मिथ और भी बहुत सारे हैं, तो ये तो मैं सोचा कि ट्राई करता हूँ कुछ नया पेपर पे। तो अब चलिए, अब जब पेपर इतना सारा मैंने मंगा लिया है तो ऐसा नहीं कि पेपर मैं रिटर्न करूँगा, बल्कि जो भी जैसा भी पेपर है ये, इसमें मैं काम ज़्यादा करूँगा कि थोड़ा मतलब मेरा एक्सपीरियंस मतलब बेटर होगा। होता क्या है कि मैं शुरू से ही मतलब ब्रूस्टो पे काम करते आया, तो उस वो पेपर अच्छा होने के कारण भी मेरा मतलब ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता था, पेंटिंग अच्छा दिखा, ये भी मैं मान रहा हूँ। क्योंकि मैं जब इस पेपर पे पेंटिंग कर रहा हूँ तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट मुझे नहीं लग रहा है। तो जब मुझे नहीं ऐसा लग रहा है तो मैं यही ट्राई करूँगा कि मैं इस पेपर पर भी अच्छा कुछ करके दिखाऊँ। तो लगे रहते हैं, आज रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम, अगर नेक्स्ट टाइम भी अच्छा नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से मैं हार नहीं मानने वाला, मैं अपना बेस्ट दूंगा, इस पेपर पे भी अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये पेंटिंग बस कम्प्लीट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये पेंटिंग कम्प्लीट है, और मैं दोबारा मतलब एक थर्ड लेयर दे रहा हूँ जहाँ थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि पेंटिंग सूखने के बाद कुछ और रिजल्ट आएगा वो मुझे पता है। तो पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुका है, और चलिए मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। लाइक शेयर कमेंट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेंटिंग वीडियो के साथ।